सर टेस्ट कितने प्रकार के? तीन। व्याकरण किसने कहा था कितना अंकों को याद है? संज्ञा के कितना प्रकार? पांच। नाम का? छह। कारक का? आठ। को याद है? हाँ। सम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या? सबको याद है ना? जय हिंद, नमस्कार। मैं सुचित कुमार, आप देख रहे हैं सच्चाई आज तक। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो है चानन प्रखंड के भलोई गांव के रहने वाले एक बेस्ट शिक्षक हैं। आज इनके बारे में जानकारी मिला तो आज इनके ही कोचिंग सेंटर में मौजूद हैं, तो जानकारी लेंगे इनके संघर्ष के बारे में कि कब से शिक्षा से जुड़े हैं और अभी इनके पास कितना स्टूडेंट है, किस नाम से इनका कोचिंग सेंटर है, सारा जानकारी जो हम सर के माध्यम से लेंगे। सर थोड़ा सा आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नंदलाल कुमार है और मैं आपके दर्शकों को काफी अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार है आपको दर्शकों का। सर आप ये बता दीजिए सारा डिटेल कि आप कहाँ से हैं और कोचिंग सेंटर का नाम क्या है। जी, मेरा घर नया टोला भलू है जो लखीसराय डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे जाने माने गाँव में आते हैं। और कोचिंग सेंटर का नाम क्या है? जी, मेरा कोचिंग सेंटर का नाम ये माँ सरस्वती टीचिंग सेंटर के नाम से चलती है। कितना दिन से सर आपका कोचिंग सेंटर यहाँ पे चल रहा है? क्योंकि सर मननपुर में कई कोचिंग सेंटर मैंने विजिट किया लेकिन गांव लेवल पे आपका जो कोचिंग सेंटर देखे मेरा दिमाग घुमा दिया। ये कैसे संभव सर? कितना दिन से चला रहे हैं और कौन इसमें आने का आपका जो है सजेशन दिया? कैसे आप सोचे कि हमको एक शिक्षक बनना है? ये सारा जानकारी सर दर्शक में दीजिए। सर मैं जब ये टेंथ का एग्जाम दिया था तो हमारे घर की जो आर्थिक हालात थी ये उतने बेस्ट नहीं थे तो जितना रहना चाहिए। तो हमने सर ये टेंथ का एग्जाम देकर किसी तरह मतलब पढ़ के हमें मननपुर में पढ़े थे हम और वहाँ से पढ़कर किसी तरह टेंथ पास कर गए। मननपुर में कौन शिक्षक के पास पढ़े थे सर? जी, हम मननपुर में जीवादीप कोचिंग सेंटर जो है जिनका संस्था ये संचालक सुनील सर है उन्हीं के पास हम ये 9 और 10 का क्लास किए थे। फिर वहाँ से पास आउट के बाद हमारी घर की जो आर्थिक हालात थी सर वो उतने ठीक नहीं थे जितना रहना चाहिए। तो उस वजह से हमें कुछ दिन के लिए घर से मतलब अनरिस्पॉन्सिबल कर दिया गया ये पढ़ाई के मायने में। तो हम अपनी मतलब शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जो एग्जाम के बाद 2-3 महीने का टाइम मिलता है सर, पहले तो रिजल्ट 1-2 महीने में आता था, तो उसको उस समय में हमने ये सूरत चले गए थे सर। वहाँ पर कंपनी में जो आसपास के लोग हमारे गाँव के काम करते थे हम वहाँ गए तो वहाँ की कंपनियां में हमने काम किया सर, जहाँ पर मुझे लगभग प्रतिदिन का जो सैलरी होती है वो 250 रुपये दिया जाता था जिसमें हम बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करते थे तो महीने का 7,000-8,000 रुपये उठा पाते थे। उसमें सर हमने मेहनत बहुत किया और जो भी पैसा वहाँ से अर्न कर पाए तो वो पैसा हमारी रिजल्ट यहाँ जब हम सूरत में ही थे तो हमारी रिजल्ट आ गई सर और उसमें हम 5 डिवीजन से पास हुए थे। लगभग 2016 में एग्जाम दिए थे जिसमें लगभग 65% नंबर आया था मेरा। और उसके बाद जब रिजल्ट आई तो वहाँ के जो कंपनी का मैनेजमेंट था उससे हमने बात किया कि मुझे आगे पढ़ाई करना है सर, मुझे घर जाने, क्योंकि वहाँ का हिसाब जो है हमेशा नहीं दिया जाता है, जिसे जब चाहे तब आपकी हिसाब वहाँ पर मिलेगी नहीं, तो उसमें पहले कहना पड़ता है उसमें हिसाब वो पढ़ाई का वैल्यू दिए वहाँ का जो मैनेजमेंट थे और उसके बाद मेरा सारा हिसाब कर दिया गया। तो वहाँ से लगभग सर हम 16-17 हज़ार रुपये लेकर घर लौट गए। घर लौटने के बाद सर फिर हमने इंटर में नामांकन करवाया जिसमें हम लखीसराय जाने लगे थे पढ़ने के लिए। लखीसराय के जाने माने टीचर हैं जो सरवन सर है, संस्कार क्लासेस नाम से क्लास केमिस्ट्री का चलाते हैं और एक विकास सर है जो फिजिक्स का अच्छे टीचर है उनके पास पढ़े हैं और एक मैथ का सर वो सर हमें बहुत याद आता है सर। जब हमको मैथ में हम 10 लड़के थे और हमने सर से ये रिक्वेस्ट किए थे कि सर आप में इन 10 लड़कों को अलग टाइम में पढ़ाइए सर, तो ये सर इतने अच्छे थे और उनका क्लास AK सिन्हा के नाम से चलता था जो कि बहुत ही मतलब वो भी पॉवर्टी परिवार से आए थे, तो उन्होंने हमारी बातों को रखकर एक अलग हम लोग को बैच अलग टाइम में दिए। उन्हीं के पास हम लोग मैथ पढ़े सर और फिर इस तरह पढ़ते पढ़ते हमने इंटर पास किया 2018 में। 2018 में इंटर पास करने के बाद सर हमारे पास कोई काम नहीं बच गया और घर की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि मैं अगले शिक्षा के लिए प्रिपेयर नहीं हो सका। तो फिर हमने सोचा कि अब करना क्या है, तो गांव के जो आसपास के लोग होते हैं जो गगन बगल के जो पड़ोसी थे हमारे उन्होंने इसमें उनमें से कोई एक औरत थी जिन्होंने मुझे कही थी कि जब आप इतने अच्छे पढ़ते हैं इतना अच्छा मार्क्स लाए पढ़े हैं तो आप बच्चों को पढ़ा क्यों नहीं लेते। तो मैंने इस विषय पर सोचा और विश्वकर्मा पूजा का दिन था 17 सितंबर 2018
जिस दिन सर हमने ये क्लास शुरू करने की फैसला किया था, तो उस समय क्लास हमारे पास जगह न होने के कारण जो है हम अपने मतलब घर के छत पर स्टार्ट किए थे, तो उसमें सिर्फ केवल और उस दिन जो है दो बच्चे हमारे पास आए थे सर। स्टार्टिंग आपको दो बच्चे से हुआ जी सर? दो बच्चे आए थे पहले दिन सर, दूसरे दिन वो दोनों बच्चे गायब हो गए। तो मुझे लगा कि सर हम इस शिक्षा के लगता प्रिपेयर नहीं है, तो फिर ऐसे चलते रहा। गांव का दबाव, समाज का जो स्थिति थी वो दबाव देते रही हमको। फिर हम स्टार्ट करते हैं, किसी दिन दो बच्चे, किसी दिन एक बच्चे, किसी दिन तीन, किसी दिन पांच। होते होते सर लगभग एक डेढ़ साल तक सर हमारे पास 10 से 12 बच्चे रहे, जिसके उन्हीं के पैसों से सर वो मंथ के जो पैसे थे उसमें हमारे सिर्फ 60 रुपया का मंथ लिया करते थे 2018 में से। तो उसी के पैसों से जो है 2018 से सर आप शुरू किए? जी सर, 17 सितंबर 2018 विश्वकर्मा पूजा का दिन था सर। और उन्हीं के पैसों से हमने एक छोटा सा बोर्ड मंगवाया कि बोर्ड को छत की जो छत के ऊपर हमारे कमरे हैं सर, उन्हीं के कमरा के दीवार में जो है वो बोर्ड को सेट कर दिया और पढ़ाने लगे बच्चों को। धीरे धीरे हमारी क्वालिटी दिखा पढ़ाई का, तो आसपास के लोग जानने लगे और बच्चों को भेजने लगे। दूसरा साल होते थे सर हमारे पास लगभग 60 से 70 बच्चे हो गए। फिर बढ़ते गया तो हम जो है सर 2020 में सर 10 का पढ़ाई करवाना स्टार्ट कर दिए थे। पहले हम लोग 1 से 8 तक पढ़ाते थे, फिर हमने 10 का पढ़ाई स्टार्ट किया, उसमें भी रिस्पांस अच्छा मिला, हमने रिजल्ट दिया बच्चों को अच्छा रिजल्ट, तो उससे प्रोत्साहन होकर जो है हम फिर है आगे हम इंटर का भी क्लास स्टार्ट कर दिए और इंटर में अच्छा रिजल्ट दिया सर, और आज तो आप देख ही रहे हैं। आपके आपका जिस पास से क्वालिफिकेशन क्या था सर जो आप इंटर तक पढ़ा लेते हैं सर? जी हमारे पास में क्वालिफिकेशन जो है सर BSc का है सर, BSc फाइनल किए हुए हैं और ये BEd की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा सर, आप तो गांव लेवल पे पढ़ाते हैं सर, तो गांव लेवल में अभी कितना कोचिंग सेंटर है सर आपके अलावा? मेरे अलावा सर गांव में लगभग अभी 4 संस्थान और चल रहे हैं। यहाँ पे 4 संस्थान चल रहे हैं जी सर? आपसे पहले से चला हुआ है सर कि सबसे पहले आप चला रहे हैं? नहीं, मेरे से पहले से चला रहे थे गांव के कुछ 2-3 संस्थान और हमसे पीछे भी 2 स्टार्ट किए, मैंने भलुई में ही 4 संस्था चल रहा है सर। जी सर, तो अभी आपके पास सर कितने से बच्चे हैं सर? अभी छोटे से बड़े तक, मैंने 0 से लेकर के इंटर तक सर? 0 से इंटर तक लगभग हमारे पास अभी 300 से प्लस के बच्चे हैं। और 0 से कम लेवल का भी, मैंने कम लेवल का बच्चा को भी आप पढ़ाते हैं सर? जी सर, सभी बच्चों को पढ़ाते हैं सर। जो बचपन से हमने स्टार्ट किया था सिद्धांत को, उसी सिद्धांत को हम अभी तक लेके चल रहे हैं सर। तो अभी सर आप अकेले पढ़ाते हैं कि और शिक्षक भी रखे हुए हैं? अभी सर हम अकेले टाइम टू टाइम पढ़ाते हैं और एक गार्डनर के लिए कुछ दिन पहले हमने टीचर भी लाया। टीचर को भी लाया जी सर। तो आगे आपका क्या उद्देश्य है सर, आगे क्या करेंगे, आगे आपका जो है क्या लक्ष्य है कि कहाँ तक जाना है? सिर्फ शिक्षा का काम करना है या सरकारी जॉब में जाना है या क्या करना है सर? सर ये शिक्षा के साथ साथ मेरे पहले मेरा मकसद जो है शिक्षा का, हम चाह रहे हैं सर कि जो हमारे गांव के आस पड़ोस के बच्चे हैं जिसे जो कि बाहर जाके पढ़ने में असमर्थ है, जो बाहर नहीं जा सकते, यहीं से थोड़ा सा दूर मनपुर बाजार है, जो वहां तक नहीं जा सकते बच्चे, और ये जो निम्न लेवल के बच्चे होते हैं समाज में, हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा सर बिना शिक्षा का ना रहे, यानी शिक्षा से कोई भी बच्चा दूर नहीं रहे। और इसके साथ साथ हमारी जो है ये उसकी भी तैयारी चल रही है, अभी नौकरी की भी तैयारी चल रही है और हम लोग आगे कर ही रहे हैं। इस बार सर आपका कितना स्टूडेंट मैट्रिक में एग्जाम दिया था और इंटर में एग्जाम दिया था सर? मेरे इस बार जो है सर इंटर में मेरा बच्चा एग्जाम नहीं दिया और 10th का लगभग 23 बच्चा हमारे पास एग्जाम दिया। क्या उम्मीद है सर इस बार कैसा रिजल्ट आएगा आपका स्टूडेंट? मेरा पूरा उम्मीद है सर कि इस बार के जो बच्चे हमारे हैं वो बढ़िया रिजल्ट देंगे। पिछले बार कैसा रिजल्ट रहा था सर आपका? पिछले बार बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था सर, जिसमें कि सबसे हाईस्ट नंबर यहाँ का 381 नंबर उठाया गया था। 381 नंबर आया था। तो आज सर आज क्या कार्यक्रम है? आज बच्चे का टेस्ट भी पता चल रहा है, यहाँ पे आज टेस्ट ले रहे हैं, तो कौन सा बच्चे का टेस्ट है सर? हाँ सर, 9 और 10 का टेस्ट लिया जा रहा है, जो कि 10th का हिंदी सब्जेक्ट का है और 9 का फिजिक्स का है। सर ये आपको नहीं लगता कि इतना स्टूडेंट को आप अकेले पढ़ा रहे हैं तो आपको हेल्प का, इसमें आपको हेल्प कौन करते हैं सर? अकेले सर आप कर रहे हैं तो हेल्प तो जरूरी आपको कोई करते होंगे, क्योंकि 300 बच्चा जहाँ भी है सर वहाँ पे 2 से 3 शिक्षक रहते हैं, लेकिन आप अकेले मैनेज कर रहे हैं सर, ये कैसे संभव करते हैं सर? सर हमारे पास जो बच्चे के टाइम है वो हर एक क्लास के लिए अलग अलग टाइम दिया गया है और हम अकेले हर एक काम को कर लेते हैं। सुबह से मेरा जो क्लास का टाइम है वो सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो जाती है सर, और अंतिम जो टाइम है हमारा लगभग 1:30-2 बजे खत्म हो जाती है। अलग अलग टाइम है, अलग अलग बच्चों का क्लास है। इसके बाद सर हम जब जाते हैं यहाँ से घर, तो घर जाने के बाद हम बच्चे के एग्जाम्स की तैयारी, नोट्स वगैरह तैयार करना, बच्चे की कल की टारगेट क्या रहेगी, कल बच्चों को क्या पढ़ानी है,
लेकिन ये सब के बारे में हम अपने डिस्कस कर लेते हैं खुद से और सब कुछ सेटअप कर लेते हैं। अगर कोई भी बच्चा सर अभी शिक्षा ले लिए है सर और वो बेरोजगार है, अगर वो चाहते हैं कि हम जो है हम भी शिक्षक बने, तो वैसे बच्चों के लिए सर आप किस तरीके से उनको गाइड करते हैं सर, ताकि वो भी समाज में शिक्षा दे सके, बेरोजगार भी दूर हो सके, इसके लिए सर आप छोटे बच्चों के लिए सर किस तरीके से आप उसको गाइड करेंगे? सर मैं पहले उनको ये गाइड करूंगा कि पहले वो अपने आप में परिपूर्ण करें, और अपने में परिपूर्ण करने के लिए जो सबसे बड़ी बात होती है सर वो शिक्षा एजुकेशन पर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अदर काम को छोड़कर जो है हर एक तरह की शिक्षा, क्योंकि एक टीचर बनने के लिए सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं होनी चाहिए, उसके साथ साथ जो बच्चों की मेंटेलिटी होती है, बच्चों की मेंटेलिटी क्या है इसकी जांच के उनकी हर एक सवालों का जवाब देना, और किताब या सिलेबस से बढ़कर भी नॉलेज रखकर अपने पास उसके बाद बच्चों के सामने आया जाए, और बच्चों को इसके लिए हमेशा प्रेरित किया जाए कि जो भी चीजें शिक्षा से रिलेटेड है, चाहे वो मैगजीन वगैरह हो या कोई अखबार हो या कोई कहानी की किताब हो, तो वो हमेशा पढ़े, इसलिए नहीं कि एग्जाम में प्रश्न आएगी या नहीं है, बस इसलिए कि उनके पढ़ने का एक्सपीरियंस हो और उन शब्दों को समझने का पूरी क्वालिटी हो। सर आपके बारे में ये भी पता चला है सर कि आप जो है शिक्षा के साथ साथ आप जो है आपका ये यूट्यूब पे चैनल भी है सर, जिसके माध्यम से भी बच्चा को शिक्षा आप देते हैं सर, उस चैनल का क्या नाम है सर? जी मैं मेरा जो यूट्यूब का चैनल है सर, मैं उसमें 9, 10 और इंटर का क्लास लेता हूँ, जिसमें हम सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, हिंदी और मैथमेटिक्स ये लेके चलता हूँ सर, और मेरा जो चैनल है उसका नाम है साइंस एंड मैथ एक्सपर्ट। इस पे अगर कोई भी अगर बच्चा कुछ सीखना चाहता है, कुछ पढ़ना चाहता है सर, इसको उनको सारा विषय का सारा सूत्र का ज्ञान उसमें मिल जाएगा सर? जी साइंस और मैथ और हिंदी से रिलेटेड सारे सूत्र का ज्ञान मिल जाएगा इस चैनल पे सर, केवल SST छोड़ दो। तो साथियों देख सकते हैं ये जो सर है नंदलाल सर इनका नाम है, और ये चानन प्रखंड के भलू गांव के रहने वाले हैं, भलू का है ना सर? जी सर। और अच्छा लगा इनसे मिलके, करीबन ये 2018 से एक संस्था में जुड़े हुए हैं, कोचिंग सेंटर इनका चल रहा है, अच्छा खासा चला रहे हैं, करीबन इनका 300 प्लस स्टूडेंट भी हैं और एक शिक्षक भी रखे हुए हैं, और इनका यहाँ पे जो है कुछ बच्चे का टेस्ट था, जानकारी मिला, आज हम इनके कोचिंग सेंटर में मौजूद हैं और सारा चीज इनसे जानकारी भी लिए। अगर कोई भी जानकारी इनसे कुछ लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इनका चैनल है, चैनल भी विजिट कर सकते हैं, भी होगा हम अपडेट देंगे, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।